ओके तो इसके मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, वो डायमेंशनलेस होता है। सेकंड थिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। बेटा जैसे मोलालिटी के ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा था मोलालिटी पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट? क्योंकि उसमें वेट मास इन्वॉल्व था, राइट। तो सेम ईयर यहाँ पर भी अगर आप देखो, देखो गिवन वेट मोलर मास, गिवन वेट मोलर मास, गिवन वेट मोलर मास, अगेन द मास इज इन्वॉल्व ना, तो जहाँ मास इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नरी सॉल्यूशंस, तो मोल फ्रैक्शंस सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप जब भी ऐड करेंगे वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? इट इज़ ऑलवेज वन, वो हमेशा यूनिटी शो करता है। तो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट, दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट, तो ये किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल। कई बार क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, राइट। तो बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको इतना लंबा प्रोसेस ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर सॉल्वेंट के निकाल लिए, राइट, और मैं आपसे पूछ रही हूँ दोनों के मोल फ्रैक्शन बताइए, तो बेटा x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? 1 के। तो अगर x2 पूछा है तो 1 माइनस x1 कर दीजिए, और अगर x1 पूछा है तो 1 माइनस x2। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। x1 और x2 सेपरेटली आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यूज जब भी जो भी आ रही है ना, उनको आने के बाद ऐड करके देखिए कि वो वन के इक्वल है या नहीं है। अगर वो वन के इक्वल नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल गलत जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो अब आई थिंक मोल फ्रैक्शन आप सभी को क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा है। अगेन एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डैट कंपोनेंट विच यू हैव टू फाइंड आउट। अब वो सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। बेटा ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की तरह ही ना हमारे पास आता है एक मास फ्रैक्शन, दोनों सेम ही है, बट द डिफरेंस इज दैट मोल फ्रैक्शन में हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, मास फ्रैक्शन में हम बात करते हैं किसकी बेटा? कंपोनेंट की, मास की। मींस टू से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, देखो ग्राम आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया उसके भाई, मास की हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर या सॉल्यूशन इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द मिक्सचर और सॉल्यूशन। बेटा इट इज सेम लाइक दैट मोल फ्रैक्शन, कि आपको जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना है, अब चाहे वो आपका सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मास को किससे, जो भी आपके सॉल्यूशन का मास है, तो दैट इज कॉल्ड योर मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट जो भी है, और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? मास ऑफ सॉल्यूशन से। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल दूँ m1 है, अगेन हम बोल देते हैं सॉल्वेंट का मास है, डिवाइड जितने भी सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट है, वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फोर बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, मतलब है दो कंपोनेंट, मास फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, हमने लेट कर लिया कि उसका जो मास फ्रैक्शन है वो क्या है? w1 है। तो क्योंकि ये मास फ्रैक्शन है, तो मास फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसका जो भी गिवन मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो बेटा m2 ऑब्लिक m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए क्या इस m2 को मैं n2 इंटू में m2 लिख सकती हूँ? हेयर दिस n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैम ये कैसे आया? देखिए एज वी नो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है बेटा? गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ गिवन वेट हमने क्या लेट कर लिया सॉल्यूट का? m2, और उसका मोलर मास क्या है? कैपिटल m2। तो ये m2 किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू में मोलर मास। तो क्या इस m2 की जगह हम ये लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं, भाई उसका गिवन वेट m1, मोलर मास कैपिटल m1। तो इसका जो ये m1 है, जो मास है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? मोलर मास ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो आपसे न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से मोल्ड करके पूछा जा सकता है। तो अब पॉइंट क्लियर हुआ,
इसी तरीके से देखिए बेटा, सॉल्वेंट W1 वन इज इक्वल टू एम वन अपोन में एम वन प्लस एम टू, फर्दर हमने इसको चेंज कर दिया N1 M1 इंटू एन टू एम टू, वेयर एन टू इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एम टू मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल एम टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सेम लाइक योर सॉल्वेंट। अब इसके भी उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस ये की भी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनल लेस है, जैसे हमारे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि अगेन मास मास कैंसिल आउट, यूनिट तो कुछ मिलेगी नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अगेन मास इन्वॉल्व हो रहा है, तो जहाँ मास इन्वॉल्व हो जाता है उसका टेम्परेचर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लाइक मोल फ्रैक्शन, जितने भी मास फ्रैक्शन सोल कंपोनेंट जितने भी सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट है, 1, 2, 3 जितने भी हैं, सब यूनिटी के इक्वल होता है, मतलब इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब चाहे वो एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट एंड सो ऑन, परसेंटेज कभी भी निकालनी है तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, मास फ्रैक्शन इंटू में 100% वेट बाय वेट, ये रिलेशन आ जाता है, मास फ्रैक्शन का रिलेशन होता है वेट बाय वेट में। तो आई थिंक बेटा ये चीज़ें आपको आज क्लियर हुई कि मास फ्रैक्शन और जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, मोल फ्रैक्शन की, तो उनके बीच के अंदर आपका क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए बेटा, ये चीज़ जो है ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्वेल्थ में भी आपका आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन में ये जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा देखो कॉम्पिटिशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, रोटेटेड फॉर्म में मिलते हैं, राइट, तभी उनको हम सॉल्व करेंगे, तभी कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो मोलैलिटी स्मॉल एम, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हमें पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये डेफिनेशन होती है हमारी किसकी, मोलैलिटी की। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000, इस W1 को क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो पीछे अभी मैंने मास फ्रैक्शन में आपको बताया ही, हम इसको ये लिख सकते हैं, राइट बेटा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को हम N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देते हैं, तो N2 ओब्लिक क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, और ये भी क्या हो जाएगा, N1 इंटू M1 ओब्लिक N1 प्लस N2, और इसको क्या हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो N2 आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, आपका सोल्यूट हो गया, और N1 आ रहा है तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी इज इक्वल टू X2 ओब्लिक X1 इंटू में 1000 एंड इंटू में यहाँ पर M1, एंड दिस M1 ध्यान रखना, ये M1 क्या होगा, सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। मोलैरिटी की डेफिनेशन एज वी नो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 इंटू डेंसिटी। ये समझ में आया डेंसिटी, और ये कैसे आया बेटा, वॉल्यूम जो होती है एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो इसको हमने मास बाय डेंसिटी लिखा, तो ये यहाँ पर रह गया और डेंसिटी आपका ऊपर चला गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय N2 इंटू 1000 इंटू डी अपोन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन, वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया भाई, उसके अंदर वेट आपका सॉल्यूट का भी और वेट किसका है, सॉल्वेंट का। अगेन इसको डिवाइड कर दे तो N2 ओब्लिक N1 प्लस N2, तो अगेन हमारे पास रिलेशन किसका निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखिए इसको फर्दर हमने किस तरीके से इस रिलेशन को चेंज किया बेटा, यहाँ पर देखिए M इज इक्वल टू N2 ओब्लिक, अगेन W1 को हम क्या लिख सकते थे, N1 इंटू M1 प्लस में N2 इंटू में M2। अगेन जैसे हमने आपके पिछले रिलेशन में किया था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दीजिए पूरे सॉल्यूशन को N1 प्लस N2 से, तो N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, सेम इसको डिवाइड किया N1 प्लस N2 N1 प्लस N2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, X2, इसको क्या लिख सकते हैं, X1, इसको क्या लिख सकते हैं, X2। तो रिलेशन हमारा किसके बीच में आ गया, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब एक चीज़ ध्यान दे बेटा, ज़रूरी नहीं है कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का ही आपसे रिलेशन पूछा जाए, वो हो सकता है आपको मोलैरिटी भी दे दे, मोल फ्रैक्शन भी दे दे, और आपको वहाँ से डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से रोटेट करके दिया जा सकता है, बट देर इज़ नो नीड ऑफ डेरिवेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा, आपको इन डेरिवेशंस की नीड नहीं है, आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ये भी चीज़ कैसे हमारी
हमें ये भाई रिलेशंस मिले, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए। एंड दीज रिलेशंस कम्स इन कॉम्पिटिशन बेटा, कॉम्पिटिशन में इस तरीके के रिलेशन, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे बिल्कुल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सिर्फ इलेवंथ में नहीं है, ये आपको ट्वेल्थ में भी मिलेगा। तो इलेवंथ और ट्वेल्थ का ये पार्ट जो है ना वो कॉमन हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अब आपको ये रिलेशन लर्न करने हैं, नेक्स्ट क्लास तक ये रिलेशंस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो बेटा आज हमने सिर्फ मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन और उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और फर्दर जो हमारी कंसल्टेशन टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।